राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रहे पूर्व सिंचाई मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की छठवीं पुण्यतिथि के मौके पर रविवार को सुहावल क्षेत्र के मोहली स्थित चौधरी चरण सिंह इंटर कॉलेज में आयोजित हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान दिवंगत नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी और खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में यहां मौजूद रहे जनसमूह ने दिवंगत नेता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान के पुत्र बीकापुर के भाजपा विधायक डॉ. अमित सिंह चौहान ने बताया कि रविवार को प्रातः से यहां अखंड रामायण पाठ कराया गया। इसके बाद श्रद्धांजलि कार्यक्रम को आयोजित किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने चौहान द्वारा अपने जीवन काल के दौरान समाज हित और देश हित में किए गए कार्य को याद किया गया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। इस कार्यक्रम में सौली सुल्तानपुर के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पूरा शिवेंद्र सिंह, डॉक्टर अवधेश कुमार वर्मा, ब्रजेश त्रिपाठी, शिक्षण नेता नील मणि त्रिपाठी चक्रवर्ती, सिंगर नंद कुमार सिंह, विक्रांत गोस्वामी, सर्वेश सिंह, रवि सिंह, विनोद गौड़ के अलावा बड़ी संख्या में भी लोग मौजूद रहे। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी की छठवीं पुण्यतिथि थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी आए थे। उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री आदरणीय श्री सतीश शर्मा जी आए थे और उसके साथ साथ हमारे इस जनपद के सभी सम्मानित विधायकगण, हमारे पूर्व विधायकगण, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और बीकापुर विधानसभा से, चाहे वो सुहावल हो, बीकापुर मसौदा से, क्षेत्र की जनता हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आई थी। निश्चित ही उन्हीं के प्रेरणा से निरंतर हम लोग विकास कार्य कर रहे हैं और जो उनके अधूरे सपने थे बीकापुर विधानसभा को एक स्वर्णिम अवसर देने का कि बीकापुर विधानसभा का पथ प्रदर्शित हो, आज हम लोग को मौका मिला है, भारतीय जनता पार्टी ने मौका मिला है, दिया है हम लोग को, तो हम लोग इसी प्रयास में हमेशा रहते हैं कैसे पिताजी के पद चिन्हों पर चल के क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अयोध्या की मिट्टी के लाल इसमत शेष मुन्ना सिंह चौहान की छठवीं पुण्यतिथि का आज मोहली में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित था। जिस प्रकार से आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने किसानों और गरीबों और मजलूमों के हितों के लिए लगातार निरंतर लड़ाई लड़ने का काम किया और क्षेत्र को विकास को एक गति देने का काम किया, आज हम सब क्षेत्रवासी, जनपदवासी उनके द्वारा किए गए प्रयासों, उनके द्वारा मजलूमों के हितों में की गई लड़ाइयों के प्रति श्रद्धावनत हैं उनके प्रति, और साथ ही जो उन्होंने प्रयास किया लगातार क्षेत्र के विकास के लिए, हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनके बताए रास्तों पर, पदचिन्हों पर चलते हुए क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर लड़ाई लड़ने। कहना यह है कि ये जो मैं पूर्व सिंचाई मंत्री मुन्ना सिंह चौहान जी थे, ये जो मैं गाँव गरीब किसान के नेता थे, आज ये नहीं हमारे सबके बीच में, हमको सबको बड़ा वो दुख है। और ये हर साल तो पानी बरसता है, ये पानी नहीं है, ये जो है मंत्री जी के आशीर्वाद से धान है। अब ऐसा है कि कहना तो ये है कि आज ये बीकापुर विधानसभा के विधायक अमित सिंह चौहान जी हैं, ये जो है मंत्री जी की देन है जो इतने अच्छे ओर से जीते हैं।